हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेड 3-3 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो ये हाई वर्केबिलिटी शो करता है कंपेयर टू अदर ग्रेड सीमेंट के। इसका इस्तेमाल हम मोर्टार के रूप में करते हैं प्लास्टर और मेजनरी वर्क के लिए। ग्रेड 3-3 हम कॉमनली यूज करते हैं। ग्रेड 3-3 का फाइननेस है 300 kg पर मीटर स्क्वायर। यह हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है 3 दिन में 16 N/mm², 7 दिन में 22 N/mm², 28 दिन में 33 N/mm². इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है इसकी। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर mm² भी हम लिख सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड बाय यूनिट एरिया। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें स्लो होता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेड 43 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो इसका इस्तेमाल हम रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए करते हैं और 43 ग्रेड को हम रेडी मिक्स कॉन्क्रीट और प्री कास्ट स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके फाइननेस है 225 kg पर मीटर स्क्वायर। यह हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है 3 दिन में 23 N/mm², 7 दिन में 33 N/mm² और 28 दिन में 43 N/mm². दी ग्रेड 43 सीमेंट गुड एबिलिटी टू रजिस्ट सल्फेट एंड ग्रेड 43 लो क्लोराइड कंटेंट। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम है 600 मिनट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम इसे मेगा पास्कल में एक्सप्रेस करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और मेगा पास्कल को इक्वल टू हम न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड बाय यूनिट एरिया और इसमें हीट हाइड्रेशन मीडियम होता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेड 53 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। ग्रेड 53 पोर्टलैंड सीमेंट लो कंटेंट ऑफ क्लोराइड वाज प्रेजेंट एंड द ग्रेड 53 सीमेंट हैज गुड एबिलिटी टू रजिस्ट सल्फेट। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड लेस इन वॉल्यूम बिकॉज दिस ग्रेड हैज हाई स्ट्रेंथ वी कंपेयर टू अदर पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड। The grade 53 cement is mainly used in RCC bridge, precast building, factory building, footing, column, slab, beam. और इस grade के fineness है 225 kg per meter square. और यह हमें strength provide करवाता है 3 दिन में 27 N per mm², 7 दिन में 37 N per mm², 28 दिन में 53 N/mm². इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम है 600 मिनट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल इक्वल टू हम न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड बाय यूनिट एरिया। हीट हाइड्रेशन फास्ट होता है इसमें।